नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। लो जी, एक बार फिर बवाल है, एक बार फिर ट्विटर की चिरैया चहचहाई, चिल्लाई और हो गया कांड। भारत की शेरनी मनु भाकर ने निशाना लगाया और सरकार शिकार हो गई। हालांकि मांगा तो उसने अपना हक था, लेकिन हक मांगते ही हंगामा हो गया। रिपोर्ट देखिए। मैंने ट्वीट किया था कि 2 करोड़ रुपया देंगे तो हम 2 करोड़ रुपया देंगे। उस वक्त की नोटिफिकेशन भी यही कहती है कि इनको 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन ना भी होती तो अगर अनिल विज ने कह दिया तो मैं 2 करोड़ रुपया देता, चाहे उसके लिए मुझे सारे देश से चंदा इकट्ठा करना पड़ता। अनिल विज के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रामबाण है। प्रदेश के खेल मंत्री अनिल विज नाराज हैं। एक खिलाड़ी से गब्बर को गुस्सा आया है, एक खिलाड़ी के ट्वीट पर, क्योंकि उसने मंत्री जी को टैग करके ट्वीट करते हुए सीधे सीधे इनामी राशि के बारे में पूछ दिया। ये ट्वीट किया गोल्डन गर्ल मनु भाकर ने, जिन्होंने 2018 में 16 साल की उम्र में ही युवा ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद खेल मंत्री ने 10 अक्टूबर को एक के बाद एक 2 ट्वीट किए, जिसमें एक में अनिल विज ने मनु भाकर को बधाई दी थी तो दूसरे ट्वीट में पिछली सरकारों पर तंज कसते हुए इनाम की घोषणा की थी। अनिल विज ने ट्वीट किया था, पहले ट्वीट में लिखा, यूथ ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली मनु भाकर को बधाई। दूसरे ट्वीट में लिखा, हरियाणा सरकार इस गोल्ड के लिए मनु भाकर को 2 करोड़ की राशि इनाम देगी। पिछली सरकारों में ये राशि मात्र 10 लाख हुआ करती थी। अनिल विज के इसी ट्वीट को टैग करते हुए 4 जनवरी को मनु भाकर ने ट्वीट कर पूछ लिया, सर कृपया बता दीजिए इनामी राशि की घोषणा सही थी या सिर्फ जुमला। इसके बाद से ही गब्बर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो प्रदेश खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इनाम दे रहा, जो प्रदेश खिलाड़ियों को सबसे अच्छी नौकरियां दे रहा है, उस प्रदेश की छवि को इस प्रकार से खराब करना खिलाड़ियों को शोभा नहीं देता। उनको कोई बात करने से पहले कंफर्म करना चाहिए। वही मामले में अब सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर खिलाड़ियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। ये दिशाहीन सरकार है, इनको खेल से कोई मतलब नहीं। सॉरी तो सरकार को फील करना चाहिए और खासतौर पर खेल मंत्री को फील करना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ ऐसे व्यवहार है। ये हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ खिलाड़ियों ने उनके जो पुरस्कार के लिए आयोजन किया था उसका बायकॉट किया, क्योंकि उससे इनसे संतुष्ट नहीं है। बड़ी स्पष्ट नीति होनी चाहिए और जो भी उनकी राशि बनती है उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसे में जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है कि नीतियों को लेकर क्यों पैदा होती है असमंजस की स्थिति, और सरकार क्यों नहीं वक्त पर करती है इनामी राशि का भुगतान, क्योंकि मनु भाकर को इनाम देने की घोषणा के कई महीने बाद भी नहीं मिल पाई है इनामी राशि, जिसकी वजह से ये विवाद खड़ा हुआ, या फिर सरकार और उसके मंत्री खुद विवादों को अपने दामन से चिपकाए रखना चाहते हैं। अंबाला से राजकुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अपना कॉलर ऊंचा करने में नेता माहिर होते हैं, हर बात पर क्रेडिट लेना आदत होती है, लेकिन कुछ गलत हो जाए तो उसे स्वीकार करना भी जरूरी होता है। हालांकि हर किसी में ये गुण हो ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छा लगता है। हर रोज अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं विज साहब, प्रैक्टिस कैमरा फेस करने की होनी तो चाहिए थी, लेकिन अपने भाव छिपा नहीं पाए, बिफर गए। पूरा बयान सुनिए, थोड़ी कलाकारी हमने भी करने की कोशिश की है, वैसे आपको भी अच्छा लगेगा। मनु भाकर को पब्लिक डोमेन में जाने से पहले खेल विभाग से बात करनी चाहिए थी। किया था सर, कोशिश नाकाम रही। यहाँ पे यदि अधिकारी एसेसिबल हो, ये चीजें मैंने बहुत बार कोशिश की। यहाँ पे जो बता रहे कि भी स्पोर्ट्स में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनसे या उनके पीए से या मंत्री जी के पीए से बात करने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन नहीं नहीं हो पाया ये चीजें। कि
कि क्या उसके इनाम को कम किया गया। जो प्रदेश खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा इनाम दे रहा, जो प्रदेश खिलाड़ियों को सबसे अच्छी नौकरियां दे रहा है, उस प्रदेश की छवि को इस प्रकार से खराब करना खिलाड़ियों को शोभा नहीं देता। और सरकार को क्या शोभा देता है सर? बार बार खिलाड़ी क्यों सवाल पूछने पर मजबूर हो जाते हैं? उनको कोई बात करने से पहले कंफर्म करना चाहिए। अगर हमने कहा कि हम 2 करोड़ देंगे, मैंने ट्वीट किया था कि 2 करोड़ रुपया देंगे, तो हम 2 करोड़ रुपया देंगे। कब देंगे ये भी बता देते सर। उस वक्त की नोटिफिकेशन भी यही कहती है कि इनको 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन ना भी होती तो अगर अनिल विज ने कह दिया तो मैं 2 करोड़ रुपया देता, चाहे उसके लिए मुझे सारे देश से चंदा इकट्ठा करना पड़ता। सर इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? अनिल विज के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द रामबाण है। वाह सर वाह, फिर आपने गांधी जी के लिए जो कहा था वो तो देववाणी होगी। खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ता रहा, गांधी खादी उठ ही नहीं सके, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है नोट के ऊपर चिपक गया, जिस दिन से उस दिन से नोट की डिवेल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया, मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी। जो कभी गलत नहीं हो सकता, मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कहावत सुनी है सर आपने? वैसे आप सरकार हैं, दमदार हैं, आप कहेंगे तो माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। इनको अपनी खेल पर फोकस करना चाहिए। और आपको किस बात पर फोकस करना चाहिए सर? इनको राजनीतिज्ञों को अपने कंधों का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। ये तो आपके विभाग को भी सोचना चाहिए, किसी को भी बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। इनका रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि ये दिशाहीन सरकार है, इनको खेल से कोई मतलब नहीं। सॉरी तो सरकार को फील करना चाहिए और खासतौर पर खेल मंत्री को फील करना चाहिए कि खिलाड़ियों के साथ ऐसे व्यवहार है, और जो भी उनकी राशि बनती है उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ तो छवि खराब करना चाहते हैं, डिनाउंस करना चाहते हैं, इट इज वेरी डिस्गस्टिंग। ओहो, गब्बर साहब थोड़ा शांत हो जाइए, आप तो एकदम ही नाराज हो गए कि खिलाड़ी अपने खेल को छोड़कर राजनीति में पड़ते हैं। जिस प्रकार की भाषा का उसने इस्तेमाल किया, खिलाड़ी तो डिसिप्लिन होते हैं, उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए। और सरकारी सिस्टम के डिसिप्लिन का क्या मंत्री जी? अगर कोई बात भी करनी है, कहनी है, तो अनुशासन में करनी चाहिए। वाह, अपना हक मांग लिया तो अनुशासनहीनता हो गई, ये तो अच्छी बात कह दी सर आपने। अनुशासन नहीं तोड़ना चाहिए, खेल का पहला सिद्धांत है। और राजनीति का सिद्धांत क्या कहता है विज साहब? वादा करो और भूल जाओ। मैं फिर कहता हूं कि वो 2 करोड़ की हकदार हैं और उनको 2 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। ये हुई ना बात सर, तालियां तालियां तालियां। वैसे कब मिलेगा सर 2 करोड़? अब साहब ये कोई नई बात तो है नहीं, जिस खेल नीति को लेकर सरकार अपनी तारीफ करती थकती नहीं, वही खेल नीति सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करवा देती है। याद करिए, कई बड़े बड़े खिलाड़ी वक्त वक्त पर सवाल भी पूछते रहे और उनके सवाल पर बवाल भी होता रहा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के उस पार इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बार बार ऐसे हालात क्यों पैदा हो जाते हैं। अगर सरकार को लगता है और खेल मंत्री को लगता है कि उनकी खेल नीति इतनी ही अच्छी है, तो हर बार खिलाड़ी सवाल जब उठाते हैं तो क्या उनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, अंदर झांक कर देखना नहीं चाहिए सिस्टम के अंदर कि कहां कमी रह जा रही है, अपने खिलाड़ी खुद ही सवाल क्यों उठा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक।
चलिए ब्रेक से वापस आ गए हैं आप, तो आपको एक ट्वीट बहुत पुराना है, पढ़ के सुना देता हूँ। योगेश्वर दत्त साहब ने यह ट्वीट किया था, ऐसे अफसर से राम बचाए। कब किया था, क्यों किया था, आपको याद आ गया होगा कि कैसे 33% जब खिलाड़ियों की इनकम से मांगा गया था तब बहुत बवाल मचा था, और तब भी खेल मंत्री विज साहब ही थे, और तब योगेश्वर दत्त जो लेजेंड है उन्होंने ट्वीट करके बहुत सारी बातें कही थी। योगेश्वर दत्त का ट्वीट जो है वो आया था, ऐसे अफसर से राम बचाए, जब से खेल विभाग में आए हैं तब से बिना सिर पैर के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे हैं। हरियाणा के खेल विकास में आपका योगदान शून्य है, किंतु ये दावा है मेरा इसके पतन में आप 100% सफल हो रहे हैं। अब हरियाणा के नए खिलाड़ी बाहर पलायन करेंगे और साहब आप जिम्मेदार होंगे। ये योगेश्वर दत्त का ट्वीट आया था, और उसके बाद भी आप याद कर लीजिए बहुत सारे, चाहे दीपा मलिक की बात कर लीजिए, उनका उनकी नाराजगी, या फिर फोगाट बहनों की नाराजगी याद कर लीजिए, तो नाराजगी वक्त वक्त पर खेल विभाग से, खेल मंत्री से, सरकार की नीति और नियत दोनों से खिलाड़ियों ने वक्त वक्त पर दर्ज कराई है कि वो नाराज हैं। ऐसे में मनु भाकर का ये ट्वीट और उसके बाद गब्बर साहब का यू गुर्राना यू गुस्साना, ये और भी ज्यादा बड़ी बात होती है। अगर खिलाड़ी ये कह रहा है या कह रही है कि उसकी इनामी राशि जो उसके लिए घोषित की थी साहब आपने उसको दे दीजिए, तो उसमें क्या गलत कह दिया उस खिलाड़ी ने, ये बड़ा सवाल है। और सिस्टम में कितना वक्त लगता है ऐलान के बाद किसी खिलाड़ी तक उसके इनाम की राशि पहुंचाने में, ये भी आपको बताना चाहिए। और उल्टा आप खिलाड़ी को ही ये कह रहे हैं कि उसको माफी मांगनी चाहिए। मनु भाकर के केस में एक चीज और हुई, उसमें हुआ ये कि अधिकारी तो फोन करके उनके पिता को बता रहे हैं, अखबार में आ रहा है कि उसको किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, और एक महीने बाद मुख्यमंत्री साहब किसी और का नाम ले रहे हैं कि उसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर किसी और को बनाया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या सिस्टम ऐसे ही चलेगा, और जिन खिलाड़ियों के दम पर, जिन खिलाड़ियों के दम पर हरियाणा की सरकार दम भरती है, विश्व के मानचित्र पर हरियाणा का अपना नाम है, वही खिलाड़ी अगर इस तरह के सवाल उठाने लग जाएं तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो चुभ रहा है खिलाड़ियों को। सुखबीर कटारिया हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, पूर्व खेल मंत्री हैं। कटारिया साहब एक बात बताइए कि ये जो मनु भाकर ने कहा है वो आपने ट्वीट देखा? बिल्कुल जी, बड़ा दुखदायक ट्वीट है, और इससे खिलाड़ियों का मनोबल भी टूटता है, क्योंकि सरकार हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, उनको फैसिलिटी देने का। अच्छा ठीक है सर, उन सब बातों पे आ जाएंगे, मैं थोड़ा टेक्निकल आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप रहे हैं उस विभाग में। तो किसी सरकार ने अगर घोषणा की कि हम 2 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं, तो उसको उस खिलाड़ी तक पहुंचने में कितने वर्षों का समय लगता है, क्या वो जल्दी भी हो सकता है? वर्षों का क्या मतलब है, तो दिनों में पहुंच जाते हैं जब आपने जो पॉलिसी है जब आपने डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर भी आपका जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कर रहा है, जो कस्टोडियन है, जो अपना मेन आदमी है डिपार्टमेंट का, वो डिक्लेयर कर रहा है, तो इट मीन्स मुश्किल से ज्यादा ज्यादा 15-20 दिन के अंदर अमाउंट उनके यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। अच्छा, तो 15-20 दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए था, और उसके बाद अगर ना पहुंचे महीनों तक, और उस खिलाड़ी ने अगर अपना ये कह दिया कि आपने जो कहा था वो देंगे भी या जुमला है, तो उसके बाद क्या खेल मंत्री ये कह सकते हैं कि उस खिलाड़ी को माफी मांगनी चाहिए या सरकार को और उस मंत्री को माफी मांगनी चाहिए आपके हिसाब से? ये तो ना विज साहब की खीज है ये, नहीं वो दिख भी रहा था। माफी सरकार ने मांगनी चाहिए, और जाके माफी के रूप में सरकार का खुद विज साहब जाए और उनके घर के जाकर इनाम की राशि इनको अभी 2-3 दिन के जाके देना चाहिए, भाई ये डिपार्टमेंट की तरफ से या किसी उससे कोताही या लापरवाही बरती गई उसके लिए डिपार्टमेंट और सरकार आपसे माफी मांग। अच्छा, एक क्योंकि आप पॉलिटिकल सिस्टम से हैं और आप उस विभाग के रहे में रहे हैं, उस विभाग का की देख रेख की है आपने, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एक आरोप लग रहा है कि विद साहब अपनी मर्जी से नहीं चल रहे हैं, यहाँ अधिकारी उनको चला रहे हैं। योगेश्वर दत्त का वो ट्वीट याद करिए जब उन्होंने बहुत साफ तौर से कहा था कि ये जो अधिकारी हैं इनकी वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है हरियाणा में खेलों का और खिलाड़ियों का। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि
विद साहब अपने दिमाग से कम चल रहे हैं और सरकारी जो अफसर हैं उनसे ज्यादा गाइडेड हैं? देखो, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हर आदमी का अपना दिमाग है, हर आदमी की अपनी सोच है, हर सरकार की अपनी पॉलिसी है। हर मेरे ख्याल में जब सरकार जब पॉलिसी के तहत और जो अपने जो घोषणा पत्र के हिसाब से या पॉलिसी मैटर के हिसाब से नहीं चलती, मींस उस सरकार का दिवालिया निकल चुका है। और निश्चित रूप से आप देखना कि अब 2019 में क्या होने जा रहा है, और ये तो अब काउंटडाउन उस पे तो चले जाएंगे। आप, मैं जानता हूं आप पॉलिटिकल आदमी है तो आपको हर चीज में 2019 दिख रहा होगा। खैर, मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ऐसे में क्या खिलाड़ियों का मनोबल नहीं टूटता है, और खास तौर से तब जब आप ये कहते हैं कि हम देश के सबसे अच्छे राज्य हैं, इस मायने में कि हम अपने खिलाड़ियों को बहुत कुछ देते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी खेल नीति सबसे बढ़िया है, तो क्या ऐसी परिस्थितियों में आप, क्या हम ये सोच सकते हैं कि मनु भाकर ने कितनी व्यथित हुई होंगी जिसके बाद उन्होंने ये लिखा होगा या ट्वीट किया होगा? देखो, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बड़ा दुख होता है खिलाड़ियों को, उनके कोच को, उनके माँ बाप को, उनके गांव वालों को, कि कितने बेचारी इतनी मेहनत से, इतनी लगन के साथ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी किसको बोलते हैं, बड़ा हाई इनका टेम्परामेंट के हिसाब से, बड़ी अच्छी कोचिंग के हिसाब से, बड़ी लगन के साथ, मेहनत के हिसाब से ये मेडल जीत के लाई थी। और मेरे ख्याल में शी इज द फर्स्ट लेडी टू विन द मेडल इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, और फिर आप उसको मोटिवेट करने के बजाय आप उसको डिस्करेज कर रहे हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इस बेचारी को बड़ा दुख हुआ है, और दुख होके इन्होंने ट्वीट किया है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। निशान सिंह जी, जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। निशान सिंह जी, मनु भाकर देश की, हरियाणा की शान, जिसका निशाना चूकता नहीं, एक बार फिर से उसने ट्वीट किया और तीर जाके एकदम सटीक निशाने पर लगा है। जिसको सवाल पूछा गया उसको चुभ गई और उसके तमतमाए हुए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। विद साहब की बात कर रहा हूं। देखिए, ये हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, चाहे वो मनु भाकर हो या बाकी लोग हो, उनकी पीड़ा जाहिर हो रही है। और इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी बातें कही थी, आज वो पूरी तरह से खोखली साबित हो रही है कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे, और प्रमोट ऐसा किया कि आज इतने बड़े लेवल के जो हमारे स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, उनकी पीड़ा इस तरीके से जाहिर हो रही है। वो इतना अपमानित महसूस करते हैं अपने आप को। और विज साहब को मैं ये कहूँ कि सिवाय ऐसी भाषा बोलने के, वो कह रहे हैं मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए। मैं वही कहता हूँ ना कि दूसरे को अपमानित करने में तो महारत हासिल है उनको। वो ये भी नहीं देखते बात करते हुए कि मेरा अपना कद कैसा है, मैं कितनी जिम्मेवारी के पद पे बैठा हूँ। तो इस तरीके से प्लेयर्स को अपमानित करना, वो हमारे देश की, प्रदेश की शान है, हमारी बेटी है, इस तरीके से ट्रीट करना, मैं समझता हूँ कि बड़ी निंदा की बात है। 16 साल की उम्र में जिस बेटी ने आपको सोने का तमगा लाकर दे दिया, उसने, उसकी कितनी पीड़ा रही होगी जब वो कह रही है कि आपने जो ऐलान किया था, जो वादा किया था, वो सच में पूरा होगा या फिर जुमला था, कितनी पीड़ा के बाद, कितनी व्यथा हुई होगी उसको, उसके बाद उसने ये ट्वीट किया होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि ये बच्चों की, नौजवानों की, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी पीड़ा जाहिर हो रही है। इस तरीके की बात दुखी होकर के व्यक्ति करता है तो मैं ये मान के चलता हूँ, इतना देश का उन्होंने मान रखा है, मेडल्स लेके आए हैं उन्होंने, हमारा, हमारी शान बनाई है देश की, प्रदेश की, तो उनके बारे में ऐसी भाषा अगर मंत्री महोदय बोलते हैं, मैं तो मान के चलता हूँ कि उन्हें, हमारे देश की धरोहर है ये बच्चे, जो नौजवान है, जो स्पोर्ट्स गर्ल है, स्पोर्ट्स मैन है। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए सर, कि कितने दिन में आपको लगता है, अगर खेल मंत्री ऐलान कर रहा है, उसके कितने दिन के अंदर पैसे, इनामी राशि, आपको एहसान तो करनी है, इनामी राशि दे रहे हैं, कितने दिन के अंदर पहुंच जाना चाहिए आपके हिसाब से? मैं ये कहता हूं कि अगर हमने कोई ऐसी बात की, मैं अपनी बात कहूंगा कि कर्णा मलेश्वरी जब एयरपोर्ट पर आकर के उतरी और हमारी सरकार ने उनके बारे में जो अनाउंस किया था, एयरपोर्ट पे जाकर के हमने उनको उसी वक्त चेक भेंट किया, पुल आउट की रजिस्ट्री देने का काम किया। इमीडिएट होना चाहिए, इसमें दिनों का तो सवाल ही नहीं है, महीनों का सवाल नहीं है। कि हम अगर अनाउंस करते हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने तो इमीडिएट तो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, लेकिन बहुत अजीब है। और उस
व्यथा के उस पीड़ा को समझने के बाद आप भी यही कहेंगे कि क्या सरकार की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि मंशा पर सवाल खड़े होते हैं और बेटी अपना हक मांग रही है तो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप इतने गुस्से में बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप उसको 2 करोड़ की इनामी राशि देकर एहसान कर रहे हो। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।